हेलो माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू पीटी टू क्लास फाइव ईवीएस पेपर सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पेपर दिस इज ऑब्जर्वेशन आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करके पहचान कर लिखना है नेम द नेचुरल कलामिटी शोन इन द पिक्चर दिस इज फ्लड एंड इट अकर्स ड्यू टू हैवी रेन ये बहुत ज़्यादा बारिश से होता है कभी कभी पुल या बांध या डैम टूट जाने से भी फ्लड की सिचुएशन आ जाती है मूविंग ंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द टाइप ऑफ हाउस ये किस तरह का घर है जैसा आपको फोटो पे दिख रहा है यू कैन से इट इज अ बोट हाउस इन विच स्टेट आर दीज कॉमनली सीन ये कहा मिलता है आपको देखने के लिए जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट फोटो है देखिए नेम द प्लेयर ये कौन सी प्लेयर का फोटो है आप बताएंगे दिस इज सानिया नेहवाल विच गेम प्ले ये कौन सा गेम खेलती है बैडमिंटन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नेचुरल कलामिटी ये क्या होता है आपको डिफाइन करना है सो लेट इज डिफाइन नेचुरल कलामिटी it is a disaster which has very harmful impact on the society कोई इस तरह की चीज़ जिसका प्रभाव पूरी सोसाइटी पे पड़ता है उसे हम एक डिज़ास्टर कहते हैं या नेचुरल कलामिटी कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन से अर्थ को फ्लड ये नेचुरल डिज़ास्टर है ना वाट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लेट इज डिफाइन इट कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे दिन में गर्मी होती है और रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है इतनी ज़्यादा ठंड होती है और ये ऐसी जगह है जहां पर बारिश भी बहुत कम होती है और स्नो भी कम होती है जैसे कि हम लद्दाख के बारे में जानते हैं इट इज अ कोल्ड डेजर्ट इट इज अ प्लेस वेयर डे इज हॉट बट नाइट्स आर Extremely cold. This place gets very little rain or snow. You can give an example of Ladakh. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नेम टू इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस साउंड वैन वी ब्लो एयर इन टू दैम जब हम फूकते हैं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकलती है ऐसी चीजों को आपको नाम बताना है पहला है आपका बीन और दूसरा है फ्लूट बांसुरी नेक्स्ट इज गिव वन एग्जाम्पल वैन वी ब्लो एयर टू कूल डाउन अ थिंग जब हम फूक फूक कर किसी गर्म चीज को ठंडा करते हैं उसका एक एग्जाम्पल देंगे एक एग्जाम्पल तो आपकी बुक में ही था टू कूल डाउन हॉट पोटैटो और दूसरा है टू कूल मिल्क और टी चाय या दूध किसी भी चीज को फूक कर हम ठंडा करने की कोशिश करते हैं नेम द प्लेस वेयर चांगपाज कीप देर गोड्स एंड शीप कहां रखते हैं चांगपाज अपने गोड्स को शीप को ऐसी कौन सी जगह रखते हैं सो वी विल राइट दे कीप इन अ शेल्टर एक घर बनाते हैं उसके लिए वो लोग कॉल्ड लेखा एक घर बनाते हैं और ये आपको हाई लैंड्स पे मिलेगा बहुत ऊंची जगह पे मिलेगा स्पेशली जे एंड के में नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर So, हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर करने में डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है सो यू विल राइट डॉक्टर भीम राव आंबेडकर इन खेड़ी विलेज व्हाट ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न बच्चे क्या क्या सीखते थे वहां पर सो यू कैन राइट देवर लर्निंग डांस टू प्ले फ्लूट To make pots of clay and bamboo, to recognize birds and imitate their sound. ये सारी चीजें बच्चे खेड़ी विलेज में रहते थे जो सीखते थे राइट टू बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलने के क्या बेनिफिट्स हैं द फर्स्ट बेनिफिट इज रिड्यूसिंग ओबेसिटी आजकल बच्चे बहुत मोटे होते हैं अपनी ओबेसिटी को कम करने के लिए गेम्स खेलना बहुत जरूरी है दूसरा हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स जो लोग खेलते हैं उनकी बोन्स और मसल्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है नेम एनी फोर टीम गेम्स टीम में खेलने वाले कौन कौन से गेम्स हैं आपको पता है वॉलीबॉल बास्केटबॉल हॉकी फुटबॉल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट फाइव यूजेज ऑफ ऑयल फाइव यूजेज आपको बताने हैं तो आप मार्क करके बताएंगे वन टू थ्री फोर फाइव कौन कौन से फाइव यूजेज हैं तो पहला यूज़ है आपका कुकिंग में खाना बनाने में ऑयल का यूज होता है दूसरा डीप फ्राइंग में डीप फ्राई जब कोई चीज़ की जाती है उसमें ऑयल का यूज़ होता है एज अ फ्यूल फ्यूल की तरह भी हम ऑयल को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहां तक कि पेंट्स बनाने में भी और मेडिसिन में भी ऑयल का यूज किया जाता है सो यू कैन राइट एनी फाइव यूजेस ऑफ ऑयल नेम वन पोल्यूशन फ्री ऑयल फ्री फ्यूल एक ऐसा फ्यूल जिससे पॉल्यूशन नहीं होता आपने सुना होगा सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नेम वन पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अनटचिलिटी इन सोसाइटी इन इंडिया महात्मा गांधी इन्होंने छुआछूत के खिलाफ लोगों को अवेयर किया लोगों को समझाया कि यह गलत है राइट वन एग्जाम्पल ऑफ मेनियल जॉब या वर्क विच यू वुड नॉट लाइक टू डू एक ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते यू यू डोंट वांट टू डू स्वीपिंग क्लीनिंग जॉब ऐसा जॉब आप करना चाहेंगे तो आपको वही काम लिखना है जो आप नहीं करना चाहते विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन द साउंड ऑफ हार्ट बीट इट इज स्टेथोस्कोप स्टे scope write the full form of lpg this is liquefied petroleum gas and cng is compressed natural gas write two ways to save fuel हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम पेट्रोल को बचा सकें सबसे पहला अपनी गाड़ी को सिग्नल पर बंद कर देना चाहिए स्विच ऑफ द वहीकल ऑन सिग्नल और रेड लाइट ट्रैफिक लाइट यू कैन से फॉलो ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यूज़ अदर फ्यूल्स पेट्रोल को कम यूज़ करके हम सी का यूज़ करें या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें तो भी हम पेट्रोल को बचा सकते हैं नेम टू वीमेन प्लेयर्स ऑफ इंडिया एंड द गेम दे आर एसोसिएटेड विद तो दो फीमेल प्लेयर्स के आपको नाम बता सकते हैं मैरी कॉम जो कि बॉक्सिंग करती थी और दूसरा सानिया मिर्जा जो कि टेनिस खेलती है टेनिस प्लेयर है लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया ये सब आपको लोकेट करके दिखाना है शो करके दिखाना है लेटेस्ट लोकेट ऑल दीज सबसे पहले हम दिल्ली को लोकेट करते हैं दिल्ली कहाँ पर है तो ये हरियाणा है दिस इज पंजाब दिस इज हरियाणा ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर मार्क किया हुआ है दिस इज दिल्ली इसके बाद आपको गुजरात दिखाना है तो गुजरात आप डेली इस तरफ है गुजरात यहाँ पर है वेस्ट में ये जो पार्ट है ये गुजरात है फिर आपको आसाम दिखाना है आप इस तरफ जाएंगे ये जो एक की तरह बना हुआ पार्ट है दिस वन यही आसाम है ये दिस इज आसाम नेक्स्ट आपको जम्मू कश्मीर दिखाना है दिस इज जे एंड के जे एंड के बाद आपको हरियाणा दिखाना है दिल्ली के बिल्कुल पास में लगा हुआ जो जगह है वही हरियाणा है तो इसको दिल्ली से अलग कलर से आप शो करेंगे दिस इज हरियाणा मार्किंग करना एरो लगाना कलर से लिखना इंडिकेट करना क्लियरली ये आप नाक अच्छे से करें ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग द चैनल फॉर मोर क्वेश्चन पेपर्स